केस नंबर फोर में प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट हमको गिवन है, सेल्स का अमाउंट हमको यहाँ पर 343750 गिवन है और आपसे पूछा गया है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने लास्ट तीन केस में क्या देखा है कि प्रॉफिट जिसके ऊपर आपको गिवन होता है सबसे पहले आप उसको 100 एज्यूम करते हैं, तो कॉस्ट हमारी 100 है, प्रॉफिट हमारा 25 है, सेल्स हमारी यहाँ पर 125 है। ठीक है, यानी तीनों जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर रेशियो टेबल, इसको हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर हमें कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स इन्हें तीनों में से किसका अमाउंट गिवन है, तो हमें इन तीनों में यहाँ पर सेल्स का अमाउंट गिवन है। देखिए ध्यान से, 343750 का अमाउंट हमें गिवन है और ये सेल्स के इक्वल है, तो हमने क्या किया इस अमाउंट को सेल्स के आगे लिख दिया। ठीक है, अब आपसे वो क्या पूछ रहा है इसमें यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो आप देखिएगा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के लिए सबसे पहले इस रेशियो टेबल को हम देखेंगे जिसके अंदर हमें सेल्स का अमाउंट गिवन है, जिसका अमाउंट गिवन है उसको हमने यहाँ पे लिखते हैं, उसको हमने लिखा यहाँ पर और वो किसके इक्वल है, 125 के इक्वल है, तो किससे डिवाइड किया आपने उसको 125 से। ठीक है, और आपको कैलकुलेट करना क्या था इसमें प्रॉफिट, तो देखिए प्रॉफिट किसके इक्वल है, 25 के इक्वल, किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसको 25 से, 25 से मल्टीप्लाई किया तो आपको प्रॉफिट का अमाउंट कितना मिलता है यहाँ पर 68750। इसी प्रकार आप यहाँ पर कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं तो टेबल के अंदर जो अमाउंट गिवन है उसको आपने लिखा और वो किसके इक्वल था, 125 के इक्वल था, किससे डिवाइड किया 125 से, और आपको कैलकुलेट करना क्या है कॉस्ट, कॉस्ट किसके इक्वल है 100 के, तो आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी कॉस्ट कितनी आती है 275,000। ठीक है, तो केस थ्री जो हमारे पास इस तरह से था, केस थ्री के अंदर हमको प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर दिया हुआ लेकिन अमाउंट कॉस्ट का दिया हुआ था, तो कैलकुलेशन इस प्रकार से हुई थी। लेकिन केस फोर के अंदर हमको प्रॉफिट कॉस्ट पर गिवन है लेकिन अमाउंट हमको सेल्स का गिवन है, तो हमसे क्या पूछ रहा है वो प्रॉफिट और कॉस्ट। तो ये चारों केस को आप एक साथ देखिएगा, इन्हें चारों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन चारों ही केस में आप परसेंटेज चेंज करके अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की परसेंटेज को आप ले सकते हैं, प्रॉफिट 10% ले सकते हो, 11% ले सकते हो, किसी भी प्रकार का आप प्रॉफिट का परसेंटेज आप ले सकते हो। इन चारों केस की हेल्प से आप यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर।